क्योंकि मैं देखा हूँ जो हर एक यूट्यूबर है वो साइकिल बाय कर रहा है 2020 में। पहले साइकिल था कोई प्रेफर नहीं करता था। हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग अमार व्लॉग। सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ तुम सब घर में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरे व्लॉग्स इंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी कुछ नहीं, बस सो के उठा था अभी, तो आज व्लॉगिंग में ना मतलब लेट हो गया था मैं, क्योंकि आज मम्मी ने देखो यहाँ पे रजाई रखी थी, तो यहाँ पे मैं और ब्रूनो, यहाँ पे रुको मैं फोकस मारता हूँ, यहाँ मैं और ब्रूनो सोए थे आराम से। पहले ब्रूनो चेयर नीचे था फिर ऊपर आ गया, पर यार सच बोलूँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि रजाई है, तुम्हें पता है ऑब्वियसली लगेगी लगेगी, बट काफ़ी मतलब एक फ्लफी फ्लफी सा मतलब फीलिंग आई, तो बड़ा मज़ा आया सोने में। बस सो के उठा फिर बोला मुँह वगैरह धोया मैं, बोला चलो व्लॉगिंग का टाइम हो गया है। तो मैं अपनी बहन को मैंने कल ना हाँ कल रात को मैंने पेंट कर दिया था अपने उसके क्या बोलते हैं हेलमेट के ऊपर। तो मैंने पहले बोलता कि यार थोड़ा बहुत मेरे को इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा ताकि जब बाहर निकलूँ तो बोले कि सिंपल चिपकाया यारी तो कोई भी चिपका ले। तो अच्छे से मैंने पेंट सब कुछ कर दिया था इसका, सब कुछ मतलब डन हो गया था। तो आज मैंने बहन को बोला कुछ यार इसमें ड्राइंग वगैरह कर दे, कुछ ऐसे स्टिकर से बना दे, बट तुम्हें पता थोड़ी बहुत टेप जान ही रही है। तो फिर मैंने सोचा जो बंदा जो स्टिकरिंग वगैरह करता है तुम्हें पता होगा, जो नेम प्लेट वगैरह में या तुम कुछ लिखवाते हो डायलॉग वगैरह, तो जो लिखता है स्कूटी वगैरह में कार के पीछे जो भी लिखता है वो लेटर्स वगैरह, तो उससे क्या कराऊंगा मैं रात कराऊंगा इसको। बट मेरा फिलहाल अभी यहाँ पे है नहीं, वो अवेलेबल नहीं है, तो जाता हूँ मैं कभी जब टाइम लगेगा तो उसको करवा लूँगा। बट फिलहाल मैंने अपनी बहन को बोला चल थोड़ी बहुत ड्राइंग ही कर दे, तो उसने ये करा तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा। तुम बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है ये। तो पीछे से कुछ ऐसा लुक देता है ये ब्लू कलर का, और ऐसे बिल्कुल मतलब सिंपल सा बनाया था मैंने, कुछ ऐसे करके था ये। तो उसको मैं घुमाता हूँ, ये देखो सिंपल है बिल्कुल, इसको ब्लू कलर किया और वाइट कलर का कुछ मैंने ब्रश ऐसे छिड़का सा था, तो ये पीछे इसकी आँखें बनाई है। तो इसको मैं बोला बस सिंपल रखी, ज़्यादा मत करती इसको। और कल टेस्ट नहीं किया, मैं अभी जाऊँगा टेस्ट करता हूँ इसको कैसा लगेगा, तो उसकी फुटेज फिर कभी डाल देंगे क्योंकि दूसरे फ़ोन में होगी, फिर मेरे को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। और हाँ मेरे को जो दूसरा ये वाला फ़ोन है कहाँ गया, वो लावा वाला, ये लावा नहीं माइक्रोमैक्स, तो ये जो फ़ोन है तो इसमें क्या करना है मेरे को एक मेमोरी कार्ड भी डालना है, देखता हूँ कितने जीबी का डालता हूँ। सैंडिस का डलवाऊँगा 32 GB या फिर 8 GB, देखता हूँ कितने के डलवाता हूँ मैं, तो वो भी डलवाते हैं, वो भी खरीदता हूँ, एक ऑनलाइन ही मंगवा लूँगा, बाहर तो जाऊँगा नहीं अभी। और हाँ कल रक्षाबंधन है यार, तो प्लीज़ यार कल प्रिकॉशंस लेना और घर में सुरक्षित रहना। तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बोल रहे हैं कि यार नानी घर जाना है, वहाँ पे बहनें वगैरह तो राखी बंधवानी है, तो देखते कैसे बनता है। तो प्लीज़ यार घर आराम से जाना, मतलब घर को छोड़ के अपने, थोड़ा बहुत तुम्हें भी झिझक होगी यार कल रक्षाबंधन आ रही है, डर लग रहा है कहीं पे कोरोना वगैरह ना हो जाए, बट भगवान की तरह से कुछ नहीं होता, जाओ यार आराम से जाओ। पर और कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मल डे शुरू हुआ, नॉर्मल सा मतलब थिंग सा दिन सा था आज। हाँ तो आज कुछ नहीं, बस एंटॉक अपनी खड़ी है, देख एक बार देख लो तुम, इसका मीटर खड़ा है ये वाला, मतलब मीटर है ये, कुछ नहीं बस। और तुम सुनाओ और क्या क्या चल रहा है आज। मैं बोला कि चलो यार मेरे पास टॉपिक नहीं था कवर करने के लिए, पर मैं बोला चलो यार फिर भी थोड़ी बहुत तो बातें कर ही लेंगे हम अपने सब्सक्राइबर के साथ। तो तुम देख रहे हो यार आजकल कितने बड़ी मतलब जो कोरोना के केसेस हैं कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आज भी किसी की फीमेल जो हमारे मंत्री थे उनकी भी डेथ हो गई है, तो कोरोना के चलते ही हुई है। तो प्लीज़ यार प्रिकॉशंस लो, मैं यही बोलूँगा, और स्टे सेफ स्टे होम, घर के बाहर मत निकलो चाहे कितना भी अर्जेंट काम, भले ऑनलाइन कर लो उसको सैनिटाइज़ कर लो वो फिर भी चल पड़ेगा, बट बाहर पर्सनली मत जाओ। तो मैं तुम्हें तो ये रेकमेंड करूँगा। अपनी हिल्ली ये खड़ी है, इसको धोने के लिए सोचा था आज, मैंने सोचा क्योंकि कल रात को काफ़ी अच्छा पानी आया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर आया था, तो मैंने बोला मम्मी स्कूटी धो दो रात को ही। तो फिर मम्मी ने बोला यार क्यों धोएगा, सुबह फिर से बारिश हुई। हाँ और सुबह डेली बारिश होती ही होती है यहाँ पे, मतलब 1-1.5 घंटे की होगी। तो मम्मी ने बोला फिर धोएगा फिर गंदी हो जाएगी। बट मेन क्या होता है, जो इसके नीचे के जो टायर होते हैं, जो जहाँ पे मतलब सब कुछ इसका इंजन वगैरह लगा, वहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, उससे क्या होता है ना कि इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मम्मी ने बोला कि जा इसको वॉश करवा के आ जा, पर आज मेरे को यहाँ संडे है तो और पूरा मार्केट बंद होती है, तो फिर जाता हूँ मैं इसको वॉश कराते हैं यहाँ पे, अच्छा सा वॉशर मिल जाए ना मेरे को, है वहीं पे करवा लेंगे इसको वॉश, क्योंकि थोड़ा पास में है, वहाँ पे सीट कवर वगैरह लगाते हैं वो, तो बाकी सीट कवर वगैरह सब चल रहा है। कल जाता हूँ वॉश कल मंडे, अरे कल तो फिर रक्षाबंधन, कल छुट्टी होगी, नहीं यार कल के स्टेट हॉलीडे है मेरे को नहीं लगता, कल बैंक्स वगैरह भी ओपन होंगे। तो कल जाता हूँ इसको पहले वॉश कराऊँगा अच्छे से, और फिर इसको अंदर रखें घर के अंदर। तो नेम प्लेट वगैरह सब इसकी चेंज हो गई है, बस ऐसे नॉर्मल सा दिन था और कुछ नहीं। तो मौसम भी देख लो साफ ही है, थोड़ा बहुत बादल हैं इसमें तो ठीक ठाक ही है मौसम, ज़्यादा साफ़ भी नहीं है ज़्यादा गंदा भी नहीं है, मतलब बीच का मिडल का।
तो आज मैं जब उसमें गया, क्या बोलते हैं, कबर्ड के अंदर, तो मैं कोई ग्रिपर निकला, क्योंकि बड़े पहले मंगवाया था ये, इसको मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पे है, कहाँ पे। तो मम्मी ने बोला कि बेड बॉक्स में चेक करिए, और यार स्किपिंग रोप डेली करता हूँ, बहुत सही, बहुत मज़ा आ रहा है। ये बात लगा कि थोड़ी बहुत लग रही है, क्योंकि मेरे को अभी इतना फ्लो फास्ट नहीं हुआ है। तो मैं देखा था कि क्या टिप्स होते हैं इसे करने के, तो यूट्यूब वगैरह में देखा, सब कुछ हो गया, तो समझ गया कैसे करनी होती है। और हेलमेट को यार एक प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, अगर तुम्हें हेलमेट पसंद आ रहा है तो एक बार फिर देख लो, ये रहा हेलमेट। और कुछ नहीं, बस नॉर्मल दिन, नॉर्मल वही बोल रहा हूँ बस मैं, कि नॉर्मल डे होता है बस। और हाँ यार, ये बताना भूल गया मैं, जो उस दिन मेरा रैकेट टूटा था यार, मेरे को आज मिल गया ये, मैं इसको बड़े दिन से ढूंढ रहा था। मम्मी ने इसको बेड बॉक्स में डाल दिया था, ये कौन आ रहा है, कोई और ये। तो ये देखो, इसका पूरा डंडा ही निकल गया नीचे का यार, तो ये भी बहुत बड़ा सीन हो गया है। तो इसको भी जाता हूँ, शायद हो इसका मैं गारंटी लेता, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को पता नहीं ठीक होती हैं, क्योंकि हैंडल तो पता नहीं कौन सा डालेगा वो देखते हैं, हैंडल पता नहीं किस चीज़ का डलता है हैंडल, तो ये भी देखते हैं क्या सीन बनता है इसका। तुम एक बात से एग्री करोगे, जो है कि जो मतलब लॉकडाउन में जो मास प्रोडक्शन हुई है, वो एक ही चीज़ की नहीं हुई है, काफ़ी चीज़ों की। सबसे पहले तुम्हें पता है, एक तो मास्क जो सबसे ज़्यादा मतलब जो सिर्फ डॉक्टर यूज़ करते थे सर्जरी के टाइम, लाइक डेंटिस्ट वगैरह कोई भी डॉक्टर हो जाए, और ग्लव्स वगैरह, तो अब हर एक जो सिटीज़न है इंडिया का, इवन पूरे वर्ल्ड का यूज़ कर रहा है, ठीक है, तुम सब एग्री करोगे। और सेकेंड था सैनिटाइज़र, तो ये सारे मतलब मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। तो थर्ड, अब मैं देख रहा हूँ कि हर जो एक यूट्यूबर है वो क्या कर रहा है, वो बाइसाइकिल बाय कर रहा है, साइकिल को बाय कर रहा है, तो वो 80,000, 90,000, 1,50,000 तो आराम से वो साइकिल बाय कर ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो आने वाला फ्यूचर है उसमें क्या है ना, कि अब तुम देखो, जैसे तुम लॉकडाउन के ड्यूरिंग चल रहे हो, तो लॉकडाउन तो खुला है, बट मुंबई को ले लो, दिल्ली को लो, चंडीगढ़ को ले लो, जैसे हिमाचल को भी ले लो, तो लोग जो मतलब जो अपने व्हीकल्स है उसको लेस प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई पुलिस वाला रोकेगा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि तो बाइक तो एक मतलब एक इंडिकेशन है, या कार इंडिकेशन है, कहीं बंदा दूर ही जा रहा हो, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, या बाजार जा रहा हो, पर फिर भी पुलिस उसको रोकेगी। बट अगर तुम यहीं पर साइकिल बाइक करते, तुम कोई नहीं बोलेगा ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत पूछ भी लेंगे, बट वो एक खुशी की मतलब माहौल में पूछेंगे, एक जॉली मोड में पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो, साइकिल बहुत अच्छी लग रही है आपकी, अगर फैट बाइक वगैरह है। तो मेरे को ये बहुत कॉमन लगा कि जो लॉकडाउन में तो साइकिल बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो तुम भी यार जाओ जल्दी से बाय कर लो साइकिल, क्योंकि यार ये फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है। तुम बोल रहे हो यार अक्षय साइकिल चला चला के हम तो बोर हो गए हैं, बहुत बोरिंग, तो यार तुम गाने वगैरह सुन सकते हो साइकिल में, अपना एक माउंट कर लो, अपना चुपचाप निकल जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ निकलो, मस्ती करो, सब कुछ करो। यहाँ तो मेरे दोस्त नहीं है, तभी तो मैं इतना इन्जॉय नहीं करता, वरना साइकिल के ब्लॉग 100% मैं देता तुम्हें। तो मतलब तुम्हें तो मैं ये एक सलाह दूंगा कि व्हीकल्स को कम यूज़ करो, इससे क्या पोल्यूशन भी कम होगा, इवन साइकिल को ज़्यादा यूज़ करो। तो ये बात तुम्हें मैं बतानी थी, क्योंकि मैं देखा हूँ जो हर एक यूट्यूबर है वो साइकिल बाय कर रहा है 2020 में। पहले साइकिल था कोई प्रेफर नहीं करता था, जो राइडर्स थे सिर्फ वही करते थे, तो मैं अब देख रहा हूँ कि यह साइकिल काफ़ी डिमांडिंग में आ रही है। तो जाओ जल्दी से तुम भी बाय करो, ये ना हो कि तुम लेट हो जाओ, और जो इसके प्राइस हैं बहुत ही हाई चल जाएंगे। तो क्योंकि साइकिल तो मतलब सब अपने कमीशन कमाएंगे, बट अभी टाइम गोल्डन टाइम है, जल्दी से जाओ तुम बाय करो, अपने पेरेंट्स को बोलो। ये नहीं कि पापा मेरे को 50,000 की करो यार, 12,000, 11,000, 10,000 में बहुत अच्छी साइकिलें आती हैं, सिंपल तुम्हें गियर्स चाहिए अच्छे वाली, डबल डिस्क ब्रेक नहीं है कोई मतलब नहीं है, कोई सीन नहीं है, अगर सिंगल डिस्क ब्रेक है बहुत अच्छी, मैक्सिमम फ्रंट भी आती है, तो इसमें तुम ये नहीं मत बोलना कि यार डिस्टिंग्विश हो रहा है, ये नहीं है वो है, ऐसा जो मिल रहा है ले लो अच्छे से। बट ये है कि थोड़े बहुत एडवांटेज देख लेना, उसमें मैंने वीडियो अपलोड की थी, तुम जाओ देख सकते हो। तो ये तुम्हें बताना था कि तुम यार जाओ साइकिल कर लो प्रेफर, ज़्यादा व्हीकल से अच्छा, क्योंकि इसके कोई भी एज ग्रुप चला सकता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, चाहे उससे छोटा हो। बट स्कूटी का ये सीन है कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो भाई चलान तो होगा ही होगा, ऊपर जेल में ठोकेगा वो। तो यही मैंने तुम्हें बताना था, और कुछ नहीं, बस ऐसे दिन चल रहा है अपना, नॉर्मल डे है, नॉर्मल व्लॉग था। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं इंटरेस्टिंग करने के लिए, आज फ्री बैठा हूँ, तुम्हें पता लॉकडाउन में सब कोई फ्री बैठे हुए हैं, कोई कुछ करने को होता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक देखते रहिए।